ना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने। सर्वे का मकसद मयार तालीम और मसाइल अहकाम बाला तक पहुँचाने थे। टीम की मुलाकात मून पब्लिक गर्ल्स मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल सर असद रजा से हुई। रिपोर्ट तंजीला खलील। का नाम असद रजा। आपकी तालीम बीए। स्कूल का नाम मून पब्लिक स्कूल। कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह स्कूल को? स्कूल को तो तकरीबन 22-23 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 17 साल हो गए। माशाल्लाह। तो किस तरह शौक हुआ? कोई ख़ानदानी बस की थी भाई? दरअसल ये मेरी बड़ी बहन ने ये काम स्टार्ट किया था। पहला स्कूल जो गांव में बना उन्होंने बनाया, उनकी शादी हो गई, उसके बाद एफए करने के बाद मैं इधर आ गया। तब से जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का शौक़ है। समझ लें कि जब से मतलब होश संभाली ज़रा जवान हुए हैं, तब से इसी शोबे में हूँ, इसलिए सारा लगाव इसके साथ ही है। अच्छा मेरे भाई ये बताएं कि बच्चों के वालदैन को शऊर है देना सही यहाँ पे? नहीं जी, ये बड़ा पसमानदा इलाका है, यहाँ पे ये लोग पढ़ाई में बहुत पीछे हैं, शऊर बहुत कम है। अंदाजन कितने फ़ीसद ऐसे वालदैन होंगे जिनको शऊर है? तकरीबन 25%। माशाल्लाह रिज़ल्ट आपका कैसा रहता है? रिज़ल्ट माशाल्लाह ठीक है हमारा, शुक्र अल्लाह ताला का। कि हमें ज़रा मुश्किलात आती हैं बिल्डिंग की वजह से, पैसों की वजह से, लेकिन ये है कि हमारे बच्चों का एक नाम है बाहर इलाके में। इलाके के मसाइल? इलाके में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, आपने देखा ही है गलियों में क्या हाल चाल है। हाँ जी, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, यहाँ पर लोग भी कुछ गरीब हैं, और जो साहिब हैसियत लोग हैं वो चले जाते हैं जी, वो बाहर अलाइड में चले गए, स्मार्ट स्कूल में चले गए, हमारे पास सारा गरीब तबका है। कोई पैगाम दें बच्चों के वालदैन को? बच्चों के वालदैन ये देखें, एक बच्चा पढ़ता है तो एक बच्चा पढ़ता है, अगर एक बेटी पढ़ती है तो पूरा ख़ानदान पढ़ता है। हमारी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि जी बच्चे का स्कूल अच्छा हो, स्कूल अच्छा हो ना हो, माँ अच्छी हो तो वो बच्चे को अच्छा कर लेती है, इसलिए बच्चियों की तालीम पर ख़ास तवज्जो दें। थैंक यू चाहिए।